qualify for the next stage. So, welcome back to this fourth YouTube channel. आज खेला गया दूसरा मैच रॉयल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस यानी MI वर्सेस RR 2020 एनालिसिस हाइलाइट्स टाइप के साथ आए हैं आपके साथ RR वर्सेस MI 2020 डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी क्या राजस्थान रॉयल्स अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकती है कि नहीं अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस पे भी डिस्कशन करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच कैसे शुरू हुआ तो मैच शुरू हुआ सिंपल इजी पीजी पहले बैटिंग करने आई मुंबई इंडियंस के लिए इतना कोई खास स्टार्ट नहीं मिला लेकिन एंड में हार्दिक पांड्या जो काफी देर से आउट ऑफ फॉर्म थे बैटिंग में भी स्पेशली आज स्टूड अप एंड हार्दिक पांड्या पे केम आउट 21 बॉल ही स्कोर 60 वन ऑफ द फास्टेस्ट 60s 50s फॉर अ मुंबई इंडियंस प्लेयर इन द आईपीएल वन ऑफ द Ben Stokes, Sanju Samson, और उसके बाद Ben Stokes ने बताया कि why is he one of the best all-rounders right now in the world? जैसे Ben Stokes ने इनिंग्स खेली, जैसे उन्होंने शॉट्स मारी, was Sanju Samson. लेकिन Sanju Samson has to perform consistently. No doubt he's a match winner on his day, but he has to perform consistently. जैसे आज Sanju Samson ने खेला, that was just fantastic. जैसे आज Ben Stokes ने खेला, he got back his form and just played fantastically. उसके अलावा मैच जीत के एंड में एक स्टेज में मुंबई इंडियंस के पास आए मैच अराउंड 10 ओवर के तक 50-50 हो गया फिर ये मैच जब राजस्थान रॉयल्स के 10 ओवर हो गए लेकिन उसके बाद फिर से मैच में क्लाइमेक्स आया और छक्के 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 उस वक्त मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का था लेकिन उसके बाद इट वॉज जस्ट राजस्थान रॉयल्स हु वॉज एट द टॉप तो अब राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर सकते हैं बिग क्वेश्चन A very big question. अब राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी आज का मैच जीते हैं दे हैव प्लेड 12 गेम्स दे आर ऑन 10 पॉइंट्स दो मैचेस रह गए केकेआर के दो रहते हैं केएक्सआईवी के तीन रहते हैं अब इनको अगले दो मैचेस और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जीतने हैं रन रेट के साथ जीतने हैं एंड दे हैव टू प्ले दैट केकेआर एंड केएक्सआईवी लूज द गेम्स KKR has to lose both of the games and KXIP to lose it one game, two games at least. They have to pray. इसके अलावा उनके लिए बहुत मुश्किल है. This is the formula that Rajasthan Royals can apply to qualify. अब बात कर लेते हैं crunch moments के बारे में. जब मिडिल में Ben Stokes और Sanju Samson पिच पे थे, उस वक्त अगर एक breakthrough मिल जाए मुंबई इंडियंस को, तो मुंबई इंडियंस ये मैच जीत सकता था. हम लोग सुबह discuss कर रहे थे आज हमें एक टीम मिल जाएगी जो अगली स्टेज में जाएगी अगर आरसीबी जीता तो वो होते वेरी गेम नहीं तो मुंबई इंडियंस आज जीत के जा सकता था बट इट इज नो टीम राइट नाउ हु हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज फनी थिंग अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो वो भी अपने सारे मैच जीत के जा सकते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल फॉर्मूला है दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट तो अगर आपको पसंद आया आरआर वर्सेस मुंबई इंडियंस एमआई की वीडियो उसको भी से लाइक कर दे इस मैच के टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो वो था संजू सैमसन का एक ओवर जिसमें ही गॉट अराउंड 12-20 रन्स दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम टुडे आई एम सॉरी आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोस टुडे बट आई हैव टू स्टडी सो बाय बाय